55 इंच का टीवी लगाएं। 72 इंच का लगाते हैं। फ्रिज डबल डोर वाला। प्राइमर कौन सा लगाओगे? अरे कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो। सर राजू पेंट्स, और कोई प्राइमर लगता ही नहीं। आज के दिन का दूसरा मैच समाप्त हो गया है। दिशापुर टीम चारों मैच जीतने में सफल हो गई। और टीम सौ सारी मैच खा
तीसरे मैच की शुरुआत होने जा रही है। ऑलरेडी 4:40 में अभी तक शुरू करेंगे उमेश जाधव सामने उनके जुनेट मोटरसाइकिल चेंटर केतन टुके उमेश जाधव कोरोना टाइगर और जंजीरा का पांचवा मैच चौथा मैच है दोनों का चार चार में देखते क्या होता है इस मैच में। पहले गेम ऑप्शन के काफी बाहर राइट बॉल का सिग्नल अंपायर का राहुल साबले और मंदू लोंडे एक रन कर चुके थे पहले गेम काफी मौका था पुलिस का राउंड करके बॉलिंग कर रहे हैं परिवर्तन चाहते हैं अपना दूसरा बैट मंगा लिया है के बाहर निकल कर गेम को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे सही टाइमिंग नहीं कर पाए जी नहीं एक रन ऑफ
हवा में गए, लेकिन मेरा तो फिंगर काफी पीछे है। जब तक प्रियंक आगे जाकर गेम को रोक के एक प्रियंक जोशी थे ओवर समाप्त हो गया। पहले उन्हें 5 रन दिए हैं उमेश यादव ने। अच्छा ओवर, कोई ज्यादा मौका नहीं दिया है बैट्समैन को हाथ खोलने का। सलमान नया उनके शुरुआत करते हुए सामने उनके एक आता खेलने की कोशिश, गेंद उनके पैर से टकराई, कोई रन नहीं, 5 रन कोई विकेट नहीं। और जितना पहले बैटिंग करने का फैसला तो उड़ना था, फील्डिंग कर रहे हैं जल्दी आप। के ऊपर से मैदान के बाहर 6 रन के लिए 11 11। फिर से और एक बिग सिक्स खेल के ऊपर से इस ओवर का कोई खेल सकता 17-17। सलमान और एक सिक्स बिग सिक्स बड़े बड़े सिक्के लगाए गए 23 इस ओवर का तीसरा छक्का 23। उमेश यादव ने अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे, लेकिन उनकी तुलना में 5 गेंदों में 18 रन दे चुके 3 छक्के। चौथा छक्का बड़े आसानी से एफर्ट लेके चौक लगा रहे हैं चेतन चुके। ओवर की मात हो गया, 2 ओवर के बाद 29 रन पॉइंट खेला। सलमान ने अपने पहले ओवर में 4 छक्के खाए थे, 24 रन दिए, कोई सफलता नहीं। विचार विमर्श हो रहा है कि किसे बॉलिंग के लिए खिलाया जाए। धनंजय टीम के ओनर और कप्तान धनंजय अखिल विकेट टेकर बॉलर है।
अंपायर के पास जा, लेग अंपायर के पास। गेंदे कर रहे हैं मैदान में गेंदे और जैसे शुरुआत में गेंदे आ रही है बहुत अच्छा हाफ वाली बनाकर गेंद को लेफ्ट शॉट और ओवर साइड के स्ट्रेट डाउन द विकेट बहुत ही बढ़िया वाइट में था 42 का जीत थे एक विकेट जब तक फिल्टर बनाते थे गेंद को खेलना चाहते थे मिडाउन पर उमेश जाधव के बिल्कुल हाथ में एक भी इंच इधर उधर हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके हाथों में और इस तरह से शुरू एक विकेट के निष्ठान था अच्छी बैटिंग कर रहे थे पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए थे उन्होंने सलमान को चेतन टुकड़े में 36 रन बनाकर आउट एक रन थर्टी थ्री जीत का एक करुणा पहले बैटिंग कर रही है और फील्डिंग कर रहे हैं जंगीरा मरीन सिटी आज के दिन का तीसरा मैच एमनोला क्रिकेट लीग डे नाइट टूर्नामेंट का ये दूसरा सप्ताह उमेश के पास और एक विकेट दोनों खिलाड़ियों को दोनों अपने बैट्समैन को कैबिनेट ने वापस भेज दिया है धनंजय अकेले दोनों जो खिलाड़ी आउट हुए हैं दोनों अपने बैट्समैन आशा और दुनेश खान दूसरा उस पर आउट हो गए जिनको बॉलिंग क्लियर नहीं करता है और उमेश जाधव ने दोनों कैच लिए हैं अच्छे कैच 3 ओवर के बाद 43 रन 2 विकेट के स्तर 43 फॉर 2
जावेद भाई और हर्षल भाई जा रहे थे, जैसे ही जुनेद आउट हो गए अतुल जगह जा रहे हैं और बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं अभिजीत कुमार। तीन ओवर के बाद 43 रन, अच्छी जोरदार शुरुआत की थी। जुनेद खान ने केवल 8 गेंदे खेली थी, 2 छक्कों की मदद से 15 रन बनाए और काका ने भी केवल 9 गेंदों में 36 रन बनाए थे, 4 छक्कों की मदद। खेला है और जब तक होना है वो करते धनंजय एक रन से रन विकास के लिए 44 स्ट्राइक पर आ गए हैं और अतुल एक 45-45 अभी आउटसाइड में प्रियांक के पास एक रन, किया है लेकिन फील्डर है वहां हो गई है, अगर छोड़ नहीं तो 50 हो गए हैं, थोड़ा सा सिग्नल देते जाइएगा। ओके चौथे ओवर के अंतिम के चार ओवर के बाद 51 रन 2 विकेट के लिए ओवर समाप्त हो गया है। अभिजीत क्रिकेट का अच्छा हो ये यही शहर है चार ओवर के बाद छुट्टी बंद बॉलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, फिर एक बार धनंजय आचार्य गेंद करेंगे विकास को।
अच्छी शुरुआत दूसरे ओवर के दोनों डॉट बॉल के साथ खेलेंगे। और एक डॉक्टर गए अपना चौथा मैच खेल रहे हैं। धनंजय ने अभी तक जीवन को सबसे ज्यादा नौ विकेट लिए। धनंजय को मिलने वाला तीसरा विकेट बड़ी अच्छी सोच गई अच्छी बात। जैसे कि ऐसा होता है हमेशा कि लगातार तीन डॉट बॉल खेले तो बैटिंग से अगर प्रेशर आ जाता है तो बड़ा स्तर से खेलना ही है। उसी कोशिश में आउट हो गए हैं खबर में आसान का कह देकर शाम के पास सिक्सटी वन फॉर थ्री। जीतापुर के फिफ्टी वन फॉर थ्री हमारे फिर एक बार लेकिन इस बार फिर पीछे है चार। पांचवा ओवर चल रहा है पचपन रन तीन विकेट के नुकसान पर अपने चौथे मैच में ही सबसे ज्यादा दस विकेट लिए धनंजय आते हैं। गोपाल का सिग्नल रन आउट होते हैं भले ही कैच आउट नहीं होते हैं लेकिन रन आउट होते हैं और एक विकेट जाता है। केवल एक रन एड होगा स्कोर में छप्पन रन चार विकेट की रिक्शा दोनों साइड पचपन रन चार विकेट से नुकसान। ऑलरेडी तीन विकेट ले चुके हैं एक रन आउट भी किया है धनंजय ने विकेट कीपर के पास फेंका था विकेट कीपर नहीं छुड़ाए। पांच ओवर के अंतिम लास्ट बॉल ऑफ द फिफ्थ विकेट
आपके शहर के पास प्रेशर में क्या नुकसान है देवेश? पहले गेम से अपना खाता खोला है सिक्स मार को धनंजय अटोले ने दो ओवर की बॉलिंग की है 26 रन देकर 3 विकेट लिए उमेश आ रहे हैं बॉलिंग पर पारी का छठा उमेश जाधव छठा संकेत हवा में उछाल रहे हैं लेकिन यहाँ फील्डर नहीं है गेंद पॉइंट पाने के पास चार रन अतुल और उमेश अपना दूसरा ओवर खेल रहे हैं बाउंड्री की तरफ शॉन के पास एक रन उमेश हवा में गई फिर एक बार से लगातार दो गेंदों में दो कैच जीते हैं ओवर समाप्त हो गया छह ओवर के बाद इकहत्तर रन विकेट चिल्ली एक कैच खेला था धनंजय ने दूसरा कैच खेला है खुद बॉलर ने उमेश ऑफलाइन बॉल करने का मौका बड़े हिट लगाने की कोशिश चार ओवर में दी गई दुनिया की कोशिश विकेट
ऑन किया है उमेश किसान 72 72 अतुल गोगाव ने नाका से 8 रन पर और देवेश नाका से 9 रन प्रिया डाउन एक रन डाल दे ऑफसाइड में एक रन जाने दे फील्डिंग चेंज 73 सातवां ओवर चल रहा है 3 गेंदें बाकी चलो किया कैच हो सकता है रन पांच विकेट के नुकसान पर सिंपल रन पांच विकेट के नुकसान खिला गया उसी को डॉक्टर प्रदीप जाधव बागमन ओवर समाप्त हो गया 7 ओवर के बाद 74 रन 5 विकेट से उठा तीन ओवर बाकी रह गए हैं देखना है कि बचे हुए तीन ओवर में टोरंटो टाइगर्स के टाइगर्स और कितने रन बनाते हैं केवल अब 3 ओवर का खेल बाकी रह गया 74 रन ठीक से लिखता है सुमित स्लो बॉल ऑप्शन के बाहर 75 वाइड बॉल के साथ शुरुआत की कवर के ऊपर से ना तुम्ही तिकडे सरकार 79
हेलो जरा प्लीज सर माझ्या नावी ओय 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 मोबाइल के ऊपर से 6 रन के लिए इस बार अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के नीचे आ गए थे बहुत अच्छा स्ट्रोक 85 रन 85 85.5 after 7.4 बहुत ही लोज बॉल थी 91 91 इस ओवर में 2 छक्के लगाए हैं डॉक्टर प्रदीप यादव ने वाइट 92 बॉम्बे ओवर समाप्त हो गया 8 ओवर के बाद बॉम्बे रन 92.5 बीच में ही सुमित को बॉलिंग दी है 18 रन सकते इस ओवर हेलो हेलो 92.5 दो ओवर का खेल बाकी रह गया चलने के लिए अभी की टीम के पास गेंद अतुल गोगाव ने नॉट आउट है 9 रन पर उनका पला तो देख इनको ऑफ साइड में खेला है धनंजय के पास 93 93 उनका पला तो वे सीधे वहां अच्छा लिखी करने की कोशिश देवी ट्राई किया था अच्छी गेंद थी आगे निकल कर खेलना चाहते थे बीट हो गए हैं बिल्कुल गोल धोते हुए बचे डॉक्टर प्रदीप पाल 21 रनों पर 9 गेंदे खेली है 2 चौके 2 छक्के बनाए हैं 9 ही गेंदे खेली है अतुल ने भी 10 रन बनाए कैच
स्वागत कैच कर दिया है 97/6 देवा पाटिल 97/6 एक रन डिक्लेयर 98 हवा में गए लेकिन फील्डर है पीछे जब तक गेंद को रोक रहे हैं प्रियांश क्या कहते हैं दूसरे रन के लिए और विकेट दूसरा रन नहीं था बोलो दूसरे रन की बड़ा जरूरत नहीं थी लेकिन होता है ऐसे विकेट में करेल जाऊ नका धनुले बेसिक नहीं हो सकता है नहीं मैदान के बाहर Thank you.
फिर से खेले के ऊपर से इतना अच्छा शूट था। पहला बॉल समाप्त हो गया 11 रन 11। कैसे नागर है 10 ओवर पर 5 गेंद का सामना किया है, 1 चौका 1 छक्का लगाया है और स्वागत टिके नागर से 1 गेंद। विकास कमानी बढ़िया शॉट नांगों के पीछे फेंक दिया, छक्का 70। हवा में गेंद खेलना जा रहे हैं राइट हैंड पर, बड़ा विकेट स्वागत के रूप में। बैट्समैन आए हैं प्रतीक पाटिल छत्र कटनी, प्रतीक ओवर समाप्त हो गया, 2 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के रिश्ता 25 रन 106 रन का ही मैच जीतने के लिए। अतुल गोगावे बॉलिंग करने के लिए सामने है प्रतीक, सर
48 के जी बाकी थे, 86 रन चाहिए रेडी के लिए, 86 दो ओवर के बाद 20 106 रन बनाने का चार्ज। कैच कर लिया 20 रन 2 विकेट के रिश्ता उमेश तीसरा दो विकेट के नुकसान पर नए बैट से उमेश जाधव अतुल गोगावली के साथ अच्छी गेंद अतुल सिंह बहुत अच्छा स्ट्रोक विराट के पास बाउंड्री लाइन के बाहर ओवर समाप्त हो गया। तीन ओवर के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर उमेश जाधव का ये बड़ा लंबा छक्का 3 ओवर 28 रन 2 विकेट के नुकसान
आता किती रन झाले? एक आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लिया है। एक रन हल्के बचे, 106 रन बनाने का लक्ष्य, 75 रन और चाहिए स्ट्राइकर्स के लिए। पास 37 खेला था, उतनी अच्छी फील्डिंग देवा पटेल की। ओवर को माफ कर दिया, चार ओवर के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान, 31 for 2 आपके स्कोर। छत्तीस गेंदे बाकी है, 75 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और ये जो तीसरा मैच होगा है, इसके बाद जो मैच होने वाला है, कैप्टन ऑफ प्रबलवीर मराठा और लोहगढ़ की सज्जाए वो कैप्टन सारे क्रिकेट जाएंगे। और प्रबलवीर मराठा लोहगढ़ की सज्जाए दोनों कर्णधारों ने माहौल की संपर्क कराया था सचिन भैरव जयंती से टॉस करने से लोहगढ़ विकास दबाने आ रहे हैं। 36 गेंदे 75 रन, 75 यानंतर आजच्या दिवसातला चौथा सामना प्रबलवीर आणि लोहगढ नाणेफेक होते। फील्डिंग करने का फैसला किया ऑन पॉइंट, एक रन डिक्लेयर। अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अब तक 14 रन देकर 1 विकेट लिया। काउंटर गेम थी 37
लॉकेट शॉट इस बार लीड विकेट पॉइंट के बहुत दूर मैदान के बाहर बहुत अच्छा पॉइंट इनके पैर के पास गेंद आ गई थी देखते देखा कि इनके पास गेंद आई है लॉक किया उसको बहुत ही खूब दो विकेट के लिए खेलता 45 फॉर 2 पांच के ओवर के अंतिम गेम लास्ट बॉल ऑफ द फिफ्थ ओवर उसको 6 रन बनाने का लक्ष्य 31 गेंदे बाकी है 61 ओवर का ही मैच जंजीरा के हर गेम के ऊपर 2 रन चाहिए जंजीरा के मैच जीतने के बाद 46 रन 30 गेंदे बाकी है 60 रन चाहिए मैच जीतने के हर गेंद के ऊपर 2 रन का डॉक्टर प्रदीप राघव मैं और की शुरुआत ओवर नंबर 6 52 के बाहर पीछे ओवर में खेल लिया है 53 दो विकेट के लिए दवाओं का जो खेला है दो विकेट की तरफ जब तक ऑक्सीजन देन को रोक रहे हैं एक रन उमेश सिंह दो बच्चे नौ से 22 रनों का तो 54 रन 50 27 गेंदे बाकी है 52 रन का ही मैच जीत 27 गेंदे 52
5 रन चाहिए उमेश यादव माधव भाई 57 रनों पर बहुत अच्छी बैटिंग की आज अपने टीम की। अपने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया, 37 विकेट लिया है, 6 गेंदे और केवल 1 दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो गया है। जंगीरा मनी और कंगड़ा टाइगर कृष्णा पाटिल बढ़िया स्कोर दिल्ली के दांडी के बाहर 6 रन के लिए और उसके साथ ये मैच जीत लिया है जंगीरा ने 9 विकेट से हरा दिया है कंगड़ा टाइगर्स को। यानंतर होणारा सामना प्रबलवीर मराठा आणि लोहगड सुपरचा Thank you.